हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल ग्रुप। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे आप गोल्ड की प्लेट का वेट कैलकुलेट करेंगे विदाउट एनी वेइंग मशीन, यानी कि हाउ कैलकुलेट वेट ऑफ गोल्ड प्लेट। ओके, हमने इससे पहले माइल्ड स्टील की प्लेट के बारे में बात किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। तो ये गोल्ड की प्लेट है और इसका हम वेट कैलकुलेट करेंगे विदाउट एनी वेइंग मशीन। ओके, तो दोस्तों आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो किसी भी मटेरियल का अगर हमें मास कैलकुलेट करना है, ठीक है, मास अगर हम किसी भी मटेरियल का कैलकुलेट करेंगे तो मास जो होता है वो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, ठीक है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, और जिसकी यूनिट होगी वो केजी में आएगी। केजी में आएगी, इसका मतलब हो गया कि वॉल्यूम की यूनिट होगी मीटर क्यूब और डेंसिटी की वॉल्यूम यानी रो डेंसिटी की वैल्यू होगी केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये चीज हमें मालूम हो गई। अब हमारे पास जो ये डायमेंशन दिए है वो है 80 mm, 40 mm और 18 mm, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करेंगे इसमें कि हम कैसे इसका कैलकुलेट करें, तो हमें सबसे पहले किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास तीन डायमेंशन होने चाहिए, लेंथ होनी चाहिए, विड्थ होनी चाहिए और थिकनेस होनी चाहिए। किसी भी सीट की, हम किसी भी मटेरियल की या किसी भी, कह सकते हैं किसी भी चीज की, हम अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो हमें पास तीन चीजें गिवन होनी चाहिए, लेंथ, विड्थ और थिकनेस, ठीक है। तो अगर हमें इसमें वॉल्यूम निकालना है तो हम वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, हाइट मतलब थिकनेस। ओके, अब अगर हम बात करेंगे इसमें जो है हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 meter इक्वल टू 1000 mm, ओके, ये आपको मालूम होगा, ठीक है। मीटर में कन्वर्ट करना है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना कि 80 mm है, 80 mm को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.08 meter हो जाएगा, ओके, इंटू बी है आपकी 40, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.04 meter इंटू, यहाँ पर 10 है, सॉरी 18 mm है, तो 18 को कैलकुलेट करेंगे मीटर में तो कैसे आएगा 0.018। ये चीजें आपकी जो है वो मीटर में आ चुकी हैं, ठीक है। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि 5.76 × 10⁵ meter³, ये आपका जो होगा वो वॉल्यूम होगा। इस सीट का जो वॉल्यूम होगा वो 5.76 × 10⁵ meter³ होगा वॉल्यूम, ओके। अब हमारे पास जो है इस सीट का वॉल्यूम आ चुका है, अब हमें इस सीट की डेंसिटी निकालनी है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ गोल्ड, गोल्ड की डेंसिटी की अगर हम बात करें तो दोस्तों डेंसिटी के बारे में हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया हुआ, डिफरेंट टाइप की डेंसिटी जो मटेरियल्स की होती हैं उसके बारे में हमने बात किया आपके साथ लास्ट वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट क्वालिटी इंप्रूवमेंट में जाएंगे, वहां पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे और वहां पे डेंसिटी का भी वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स के हमने डेंसिटी के बारे में बात किया है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ गोल्ड की अगर हम बात करेंगे तो 19,320 kg/m³ होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, 19,320 kg/m³ होती है। और इसके हमने बारे में हमें ऑलरेडी आपके साथ फुल डिटेल से बात किया है, इसके बारे में आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब आपके पास डेंसिटी भी है वॉल्यूम में, तो आपके पास क्या आएगा, मास आ जाएगा। मास क्या हो जाएगा, 5 × 76 × 10⁵ डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है 19,320 kg/m³, ठीक है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1.1 kg। अब आपको मैं बता दूं दोस्तों कि 1.1 kg जो आया है, ठीक है, जैसे ये जो आया है, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपका स्टैंडर्ड डायमेंशन दी हुई है 80 mm, 40 mm, 18 mm, ये 1 kg गोल्ड की प्लेट की सीट का वेट है। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये जो आपका डायमेंशन दी हुई है 80 mm, 40 mm, 18 mm, यहाँ पे 1.1 kg जो आया, ये 1 kg जो गोल्ड की बिस्किट आती है उसका स्टैंडर्ड साइज होता है। ये 80 mm, 40 mm और 18 mm मोटा, ये गोल्ड की जो 1 kg की बिस्किट होती है उसका स्टैंडर्ड साइज होता है,
और हमारा जो कैलकुलेशन है वो 1.1 केजी आया है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि जब 1 केजी की जब बिस्किट का ये स्टैंडर्ड साइज है तो आपका वेट 1.1 केजी क्यों आया है। ठीक है, तो आपको बता दें दोस्तों कि जो 1 केजी की जो बिस्किट होती है ना उसमें बहुत ये हमारा ठोस प्लेट है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की मार्किंग नहीं है, कोई भी इसमें शेप साइज डिजाइन नहीं दिया हुआ, कोई कट नहीं है। ठीक है, जो 1 केजी की जो बिस्किट होती है उसमें आप देखेंगे बहुत सारे बीच में ऐसे कटिंग होती है, उसमें नंबरिंग होती है, उसमें डिफरेंट मतलब कई जगह से मटेरियल जो होता है थोड़ा थोड़ा निकला होता है। तो स्टैंडर्ड साइज में इस प्रकार से ये साइज होता है और उसमें 1 केजी वेट दिया जाता है। तो हमारा जो कैलकुलेशन है उसमें बिल्कुल ठोस प्लेट का है, तो 1.1 केजी आया हुआ है। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो आप किसी भी मटेरियल का जो गोल्ड की प्लेट होगी आप बिना किसी वेइंग मशीन के आप वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही हमारे पैरेलल चैनल टेक बलजीत को भी सब्सक्राइब करिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आप बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स सीख सकते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड और इंटरेस्टिंग जानकारियां भी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।